आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह, प्रेम का अभिवादन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू आज इस आराधना में जुड़ने के लिए। आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करने से पहले अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण करें। हम मनुष्य की कोई प्रस्तुति या मनुष्य की कोई बातों को देखने के लिए या सुनने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन वास्तव में जीवित परमेश्वर की आराधना, जिसने हमें बनाया, जिसने अपने श्वास को हमारे अंदर फूका, जिसने अपने स्वरूप में हमें बनाया, जिसने आज तक हमें शक्ति और बल दिया, उसकी महिमा करने के लिए, उसका गुणानुवाद करने के लिए उस परमेश्वर की हम आराधना करने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से आज के सुबह के लिए हम धन्य 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 कहते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आपका नाम महान है। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप हमारी स्तुति में विराजमान परमेश्वर है, अपनी प्रजा के लिए काम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर, धर्मी जन को कभी भी तू घिरने नहीं देने वाला परमेश्वर है। हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। कुछ तो घोड़ों पर और कुछ तो रथों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हम तो यहोवा पर आश्रय रखते हैं। परमेश्वर पिता, हमारा आश्रय आपके ऊपर है प्रभु जी, हमारा भरोसा आपके ऊपर है परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपने विज्ञान दिया, आपने बुद्धि दिया, आपने अलग अलग प्रकार की तकनीकी मदद किया है, तकनीकी आविष्कार के लिए प्रभु लोगों को प्रोत्साहित किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज भी उन सबसे बढ़कर आपका नाम महान है परमेश्वर, हम धन्य कहते हैं आपको। हालेलुया। हम प्रभु आपकी महिमा करना चाहते हैं। जितने लोग आज जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, सभी पर आपका आशीष होने दे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर हम एक गीत को गाएंगे, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। उस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। ओ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मिलकर आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। ताली बजा के आराधना,
राजाओं के राजा की आराधना, दिलकर ताली बजा के आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर को धन्य कहे, हालेलुया, धन्यवाद करना, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है, और परमेश्वर आज भी अपने डर भयों की ओर कान लगाकर हालेलुया झुककर सुनने वाला परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इस समय पर हम लोग एक भजन संहिता को पढ़ेंगे, और भजन संहिता 34 को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 34, साम 34 को हम पढ़ेंगे। मैं आपके सामने उस भजन को पढ़कर देना चाहूँ, पढ़कर सुनाना चाहूँगा। आप अपने बाइबलों को खोलें, भजन 34, साम 34। हालांकि 22 आयत है इस भजन में, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष और स्त्री जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती। जवान सिंहों को तो गति होती है और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की गति ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे चल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर रहते हैं, लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के भैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर हमें आशीष दे। हालेलुया। एक आयत हमने पढ़ा, आठवीं आयत में, परख कर देखो कि यहोवा
कैसा भला है। परमेश्वर कहता है दूसरों की सुनने के द्वारा नहीं, यहाँ वहाँ की बोली हुई बातों को आपके आप सुनने के द्वारा नहीं, लेकिन स्वयं आप यहोवा के पास आएं और उसका नाम को लें, उसको अपने जीवन में अनुभव करें, उसका उद्धार का कार्य को देखें, सुने, अनुभव करें, परख कर देखो, चक कर देखो कि वो कैसा भला है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष और स्त्री जो उसकी शरण लेता है। चक कर देखने के बाद, परख कर देखने के बाद, यदि आपको परमेश्वर अच्छा लगा, अगर आपको परमेश्वर की बातें अच्छी लगी, तो क्या ही धन्य है वो पुरुष और स्त्री जो उसके शरण में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए एक और गीत हम गा कर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। गीत इस प्रकार है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा, भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारणहार हमारी शरण साय में लेकर चलता है, तारणहार हमारी शरण साय में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे वो तो गले से लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ देवे वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा, प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे वो ही सब कुछ देखेगा, पूरा समर्पण उसको करे वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है अब हमें क्यों घबराना, बोझ प्रभु पर डाल दिया है अब हमें क्यों घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर
हालेलुया हालेलुया। आदर करने वाला परमेश्वर मुझे आदर करेगा, करने वालों को मैं आदर करूंगा करके बोला हुआ यहोवा, आज आपके अजीम चरणों में, आपकी महिमावन चरणों में हम आते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे बोझों को हटाने वाला परमेश्वर, आप हमारे हालेलुया शरीर के, मन के, आत्मा के तमाम दुखों को हटाने वाला परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, मनुष्य के लिए असंभव होगा तो भी परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है करके आपका वचन कहता है। हम आपका वचन पर भरोसा रखते हैं, उस पर अपना मन लगाते हैं परमेश्वर पिता। सारी निराशा लोगों के जीवन से, हमारे जीवन से हट जाए, यीशु नासरी के नाम से एक अद्भुत चंगाई शरीर, मन और आत्मा में आने दे करके हम प्रार्थना करते हैं राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आदर और महिमा और गौरव और जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना में एक और बार मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के लिए ये आराधना एक आशीष का कारण बन जाए। आइए मिलकर एक पद को हम पढ़ेंगे, वो है लुका का सुसमाचार, उसका 17वीं अध्याय और 11 से लेकर 19 आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। लुका के सुसमाचार 17वीं अध्याय और 11 से लेकर 19वीं आयत। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने क्या कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका वचन है और हम भी आपके हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपके बच्चे, प्रभु आपके बेटे और बेटियां जब इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके हृदय को खोलिए परमेश्वर पिता, इस वचन को समझ पाए, वचन की गूढ़ बातों को, गहरी बातों को समझ कर अपने जीवन में अपना कर उसी के अनुसार चलने के लिए आप इन्हें मदद करना परमेश्वर पिता। ये वचन के द्वारा हम सब आशीषित होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आदर और महिमा आप ही को मिले, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस घटना को हमने पढ़ा जहाँ पर हेडिंग में लिखा है, कोढ़ के 10 रोगियों को यीशु ने चंगा किया। तो आज का जो विषय है वो ये है, यीशु ने कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा किया। हमने घटना को जरूर पढ़ा है लेकिन मैं आपके सामने इसको संक्षिप्त में रखना चाहती हूँ। यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे और यहाँ पर लिखा है सामरिया और गलील के बीच से होकर यीशु मसीह जा रहे थे। अब जाते जाते यीशु मसीह एक गांव में प्रवेश करने वाले थे। उस गांव में प्रवेश करने से पहले गांव के बाहर 10 कोड़ियां खड़े थे और उन कोड़ियों को जो है पता चला कि यीशु मसीह गांव में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए ये कोड़ियों जोर से ऊंचे आवाज से पुकारते हैं और इस प्रकार कहते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। देखिए ये लोग बीमार है, वो लोग कहते हैं यीशु हम पर दया कर। यीशु वही ठहर जाता है और यीशु उनको देखकर कहता है, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और वो लोग अपने आप को याजक को दिखाने चले जाते हैं। जैसे वो लोग चले जाते हैं, रास्ते में उन्हें पता चलता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक है, और उस 10 लोगों में से एक ही जन वापस यीशु के पास आता है, यीशु को धन्यवाद देता है, यीशु के पैर पर गिरकर दंडवत करता है और यीशु की महिमा करता है। तब यीशु मसीह एक सवाल पूछता है, क्या 10 लोग ठीक नहीं हुए? तो वो बाकी के 9 कहाँ है? क्या ये एक ही सामरी है जो वापस आया और मुझे धन्यवाद दिया? तब यीशु उनसे कहता है, उसकी लास्ट लाइन में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, उठकर चला जा,
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं करकर हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 लोग जो बीमार थे उनको कोढ़ की बीमारी थी, और उस समय पर जितने लोगों को कोढ़ का प्रॉब्लम था उनको समाज से दूर गांव के बाहर या शहर के बाहर रखा जाता था, क्योंकि ये बीमारी फैलता था जिसके कारण समाज में जिन लोगों के पास ये लोग आते थे उनको भी कोढ़ का प्रॉब्लम आने की संभावना थी, इसलिए ये लोग समाज से दूर रहते थे। अब आप ज़रा सोच सकते हैं, ये 10 लोग भी जो कोढ़ के बीमार लोग हैं वो लोग भी गांव के बाहर रह रहे हैं, समाज से दूर, परिवार से दूर, अपनों से दूर, उनके पास कोई सुविधा नहीं है और अपने ही आंखों के सामने उनको दिख रहा है कि हमारा उंगलियां जो है गलकर सड़कर टूटकर गिर रहा है, हमारे पैर जो है ख़त्म हो रहे, हमारे हाथ ख़त्म हो रहे, धीरे धीरे हमारा शरीर में ये बीमारी फैल रहा है, हम ख़त्म होने का चांसेस है। और इस दुख में और इस संकट के बीच में उनको अच्छे शब्द भी कहने के लिए कोई साथ नहीं है। इस प्रकार की एक परिस्थिति में ये लोग रह रहे हैं। उस समय पर उन्हें पता चला कि यीशु मसीह उस गाँव में प्रवेश करने वाले हैं, तब ये 10 के 10 चिल्ला कर कहते हैं, यीशु हम पर दया कर। उस समय की परिस्थिति को अगर हम देखेंगे, कोढ़ के लोग एक तो समाज के बाहर रहते थे और साथ में जब वो लोग सड़क में चलते भी थे तब उनको अगर उन्होंने देखा कि सामने से कोई इंसान आ रहे हैं तो उनको जोर से अपने मुंह को ढक कर जोर से पुकारना पड़ता है कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। और जैसे ही सामने वाला इंसान सुनता है कि कोई कह रहा है कि मैं अशुद्ध हूँ, तब वो जो है रास्ते के दूसरे कोने से चलकर जाते थे ताकि इनका और कोढ़ के लोगों के बीच में कोई भी संपर्क ना रहे। और अगर ये कोढ़ के लोग इस प्रकार नहीं करते हैं, वो लोग जानबूझकर लोगों के पास चलने की कोशिश करते हैं, तो उस समय के नियम के अनुसार उनके ऊपर पथराव कर उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग समाज के लिए एक खतरा है। ऐसी परिस्थिति में ये 10 कोढ़ियों ने ये सुना कि यीशु मसीह वहाँ से जा रहे हैं, और यीशु मसीह की बात को सुनकर इन 10ों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग जोर से पुकारेंगे, यीशु से कहेंगे यीशु हम पर दया करना। देखिए प्रियो, यहाँ पर एक बात हम देख सकते हैं, वो लोग ये जोर जोर से पुकारने रहे हैं कि यीशु हम अशुद्ध हैं, यीशु हम अशुद्ध हैं, लेकिन वो लोग परिस्थिति को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं यीशु से, वो लोग अपनी चाहत को, उन लोग दिल से चाहते कि हम लोग ठीक हो जाए, और वही बात वो लोग यीशु के सामने रख रहे हैं। वो जोर से पुकार रहे, मिलकर पुकार रहे और यीशु से कह रहे यीशु हम पर दया कर। देखिए वो लोग एक नियम को यहाँ पर तोड़ रहे हैं, जो उन्हें कहना है कि हम अशुद्ध है, हम अशुद्ध है, उस नियम को तोड़कर वो लोग यीशु के नाम को पुकार रहे हैं। और यीशु मसीह भी इसलिए आया ताकि सारी व्यवस्था को तोड़कर हमें जो है अनुग्रह में लेकर आए, ताकि हम यीशु को अब्बा पिता कर हम पुकार पाए। यीशु हमारा पिता है, हमें कोई भी रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, हम हमारे दिल की बात खोल कर यीशु के सामने रख सकते हैं। हमारा और परमेश्वर के बीच में और कोई नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को यीशु तक पहुंचाता है। यीशु मसीह हमारा पिता है जो खुद कान लगाकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन 10ों कोढ़ियों ने यीशु के नाम को पुकारा। यीशु क्या करता है वहाँ पर, क्या यीशु उनको डांटता है, क्यों पुकार रहे हो मुझे, तुम तो अशुद्ध है, क्या यीशु इस प्रकार कहता है? नहीं, यीशु उनसे कहता है कि जाओ। उस आयत को मैं अपने सामने रखना चाहती हूँ, उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। अपने आप को याजकों को क्यों दिखाना है, क्योंकि उस समय पर अगर कोढ़ से कोई ठीक हुए तो सबसे पहले उन्हें याजक को दिखाना था, और याजक उनको चेक करता था और कहता था कि ये इंसान बिल्कुल फिट है, ये बिल्कुल ठीक है, ये समाज में रह सकता है। एक बार याजक ने बोल दिया तो ये लोग वापस समाज के अंदर आके रह सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। अब सोचने वाली बात है, ये 10 कोढ़ियों के अंदर ऐसे भी विचार आ सकते हैं, यीशु ने तो कहाँ जाओ, हम तो ठीक नहीं हुए, हम जाते जाते अगर समाज ने हमको देख लिया तो हमारा जीवन का आखिरी दिन बन जाएगा, हो सकता है हम नहीं जाए तो और 2-3 दिन रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इस प्रकार वो चाहे तो सोच सकते हैं,
क्योंकि भय उनको कंट्रोल कर सकता है, शक उनको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कोई भी विचार उन लोगों ने नहीं किया। यीशु ने कहा जाओ, तो विश्वास के साथ वो लोग चले गए। तो प्रियो एक बात हम देख सकते हैं, जिनके अंदर विश्वास है उनके अंदर भय नहीं होता, उनके अंदर शक नहीं होता। हाँ, शैतान पूरी कोशिश करता है कि हमारे अंदर शक डाले, हमारे अंदर भय डाले, लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है तब ये सारी बातें हमारे जीवन पर असर नहीं करेगा। देखिए आज भी बहुत से लोग ये डरते हैं, अगर हम यीशु के नाम को पुकारेंगे तो क्या समाज हमारे साथ क्या करेगा, क्या हमें छोड़ देगा, क्या हमारे अपने हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इस प्रकार के डर के कारण वो लोग यीशु को पुकार नहीं रहे हैं। लेकिन ये 10 कोढ़ियों ने डर को दूर रखा, शक को दूर रखा, विश्वास के साथ वो लोग आगे बढ़े। हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसकी 15वीं आयत में, हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, तब उनमें से वो जाते ही जाते, 14 के लास्ट लाइन में लिखा है, वो जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। 14वीं आयत का लास्ट लाइन में क्या लिखा है, वो जाते जाते ही, मतलब वो लोग ठीक नहीं थे, विश्वास के साथ वो लोग चले गए, लेकिन विश्वास के साथ जाते जाते उन लोगों ने देखा हम बिल्कुल ठीक हुए। प्रियो एक बात यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यीशु से कुछ पाना है तो आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आपके मन से शक को निकालिए, आपके मन में से डर को निकालिए और आपके अंदर विश्वास को जगाइए। विश्वास है तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। जितनी भी आयतों को हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह लोगों से कहता है तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया है। तो प्रियो एक मसीही इंसान के अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ हमारा नाम मसीह होने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बोलने से कि हाँ हम लोग क्रिश्चियन हैं या हम लोग यीशु पर विश्वास करने से नहीं चलेगा, वो तो सिर्फ नाम के लिए है। आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। क्या आपका 100% विश्वास आज यीशु मसीह पर है? अपने लाइफ्स को चेक करना बहुत जरूरी है। फिर हम आगे देख सकते हैं कि जैसे इन लोग विश्वास के साथ आगे बढ़े वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए। एक और बात हमें यहाँ पर याद रखना है, विश्वास आपके जीवन में चमत्कारों को कर सकता है, लेकिन डर और शक के कारण आप विश्वास को खो बैठ सकते हैं। इसलिए याद रखिए, विश्वास के साथ इन लोग आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक हो गए। अब ठीक होते ही होते 10 लोगों में से ये सारे लोगों ने पहचान लिया कि हम ठीक हो गए, तब उनमें से एक जन याजक के पास जाने से पहले ही वापस दौड़कर यीशु के पास आया। और बाकी के 9 लोगों की कहानी हमें नहीं पता, वो लोग याजक के पास गए होंगे, वहां से अपने परिवार के पास गए होंगे। देखिए प्रियो, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, इन 10 कोढ़ियों के पास 2 चुनाव थे। एक चुनाव ऐसा था कि वो जाए, जैसे उनको पता चला वो ठीक है, वो जाए याजक के पास, अपने आप को दिखाए, फिर याजक बोलेंगे वो ठीक है, और वो लोग दौड़कर अपने परिवार के पास जाएंगे, अपने जीवन साथी से मिलेंगे, अपने बच्चों को गले लगाएंगे, उनको अपने गोद में उठाएंगे, समाज से मिलेंगे, अपने कमरे में जाएंगे, बिस्तर पर लेटेंगे, आराम करेंगे। इतने महीनों से, इतने सालों से वो लोग समाज से दूर थे, कोई भी सुख सुविधा उनके जीवन में नहीं था, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो लोग जो है अपने परिवार के पास जाए, एक ऑप्शन जो बहुत आसान है। दूसरा एक और चुनाव उनके पास है, जैसे ही पता कि मैं ठीक हो गया हूँ, अपने अपनों के पास जाने से पहले वापस यीशु के पास आए और यीशु की आराधना करे, यीशु को महिमा दे। हम आसानी से समझ सकते हैं ये दोनों चुनाव में से आसान कौन सा है। प्रियो आसान वो है जो 9 लोगों ने चुना, मुश्किल वो है जो वो एक इंसान ने चुना। लेकिन सही और गलत हम जानते हैं कौन सा है। देखिए प्रियो, जब वो एक इंसान ठीक हो गया तुरंत यीशु के पास आया, इस एक इंसान के जीवन से हमें ये पता चलता है कि दान से भी बढ़कर उसने देने वाला परमेश्वर को चाहा, गिफ्ट से भी बढ़कर उसने गिवर को चाहा। प्रियो आज भी हमारे जीवन में भी ये दोनों चुनाव है। एक बहुत आसान है जो लगभग 90% लोग मानते हैं, और वो है जो वो 9 लोगों ने चुना, 9 लोग मतलब 90%,
और आज भी समाज में 90% लोग यही चाहते हैं कि बस यीशु से हमें आशीष मिले, यीशु के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए और यीशु हमारा सब कुछ अच्छा करे। लेकिन सिर्फ 10% लोग हैं संसार में, या 10 से भी कम हम बोल सकते हैं, जो दिल से यीशु को चाहते हैं। वो लोग अपनों से बढ़कर, समाज की खुशियों से बढ़कर, समाज की आराम से बढ़कर, रिश्ते नातों से जो आनंद मिलता है उससे भी बढ़कर वो यीशु को चाहते हैं। देखिए प्रियो, यीशु मसीह खुद अपने सेवकाई के समय पर ऐसे शब्दों को कहा, भीड़ को देखकर कहा यीशु मसीह ने, तुम तो मेरे पीछे सिर्फ रोटी के लिए आते हो, तुमने तो देखा मैंने 5,000 को 5 रोटी से खिलाया, तो रोटी खाने के लिए तुम मेरे पास आते हो, चंगाई पाने के लिए मेरे पास आते हो, यीशु मसीह लोगों से कहता है। प्रियो, आज हमारे सामने भी यही बात हमें सोचना बहुत जरूरी है, हम किसके लिए यीशु के पास आए। हाँ, आप यीशु पर विश्वास रखते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन सवाल अब ये है, आप अपने आप से पूछिए, मैं यीशु का पीछा क्यों कर रहा हूँ, या मैं यीशु का पीछा क्यों कर रही हूँ। एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने, क्या है उसका आंसर आज, क्या उत्तर आप अपने आप को दोगे? क्या यीशु ने आपको चंगाई दिया इसलिए आप यीशु के पीछे चलते हो? गुड। यीशु ने आपको कैंसर से छुड़ाया, ट्यूमर से छुड़ाया, आपके घर में प्रॉब्लम था उसमें से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, इसलिए आप यीशु के नाम को बुलाते हो? गुड, वो एक जरिया है यीशु को जानने के लिए, लेकिन वो कारण नहीं बनना चाहिए कि आप यीशु के पीछे जा रहे हैं। कारण ये है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो हमें मुक्ति देता है, जो हमें मोक्ष देता है, वो परमेश्वर का पीछा हम कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। आज अपने लाइफ को चेक कर लीजिए, क्यों यीशु मसीह के पीछे आप चल रहे हो? आप इसलिए चल रहे हो ताकि आपको और आशीष चाहिए, क्या आप इसलिए पीछे चल रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपकी पापों को क्षमा किया है, आपके प्राण को उद्धार दिया है? परमेश्वर के लोगों के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्यों वो लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं। हाँ, यीशु ने आपको भयंकर बीमारी से आपको ठीक किया, आपने यीशु को जाना, पहचाना, विश्वास किया, आगे बढ़ा, लेकिन प्रियो कल एक बीमारी दोबारा आएगा और आपको चंगाई नहीं मिलेगा शायद से, तो क्या यीशु को आप छोड़ दोगे? आपका विश्वास का आधार क्या है? यीशु मसीह ने अपने वचनों में लिखा है, चौड़ा है वो मार्ग, आसान है चलना, जिस मार्ग अनंत मृत्यु की ओर हमें ले चलता है, लेकिन जो जीवन की ओर हमें ले चलता है वो संकरा है, चलना मुश्किल है, कठिन है, हमें बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि वो रास्ता संकरा है लेकिन हमें जीवन की ओर ले जाएगा। प्रियो, अगर यीशु के पीछे चलना है तो आपके कारण को सही कीजिए, इसलिए चलिए क्योंकि यीशु मसीह आपके पापों से क्षमा देता है, आपके प्राण को मुक्ति देता है, आपको अनंत जीवन देता है। हाँ, जरिया कुछ भी हो, लेकिन यीशु के पीछे चलने का फैसला आपने लिया है तो उसका मकसद को भी आप सही कीजिए। तब ये जब एक इंसान यीशु के पास आता है, तब यीशु क्या कहता है, उसकी 17वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए, तो फिर वो 9 कहाँ है? देखिए, यीशु मसीह के इस स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं यीशु मसीह का हृदय टूट गया होगा। यीशु मसीह ने 10 लोगों को ठीक किया, एक ही जन है जो वापस यीशु के पास आता है। कितने लोग हैं जो यीशु को अपने जीवन में अनुभव किया, उस शांति को पहचाना, उस प्रेम को छका, लेकिन दबाव आने के कारण, सताव आने के कारण ये 9 लोगों के समान यीशु को छोड़कर चले गए, आशीषों को प्राप्त कर चले गए। लेकिन यीशु मसीह उनसे कहता है, क्या 10 ठीक नहीं हुए? यीशु मसीह सब कुछ जानता है और उस एक इंसान से के बारे में यीशु मसीह क्या कहता है, उसकी 18वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, verse 18, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करे? यीशु मसीह वहां पर एक स्टेटमेंट कहता है, ये एक परदेशी है, मतलब हम ये समझ सकते हैं ये एक सामरी होगा,
जिनको उस सामरी ऐसे जात के लोग थे जिनको लोग नीचा कर कर देखते थे। तो ईश्वर से कहता है कि ये एक ही इंसान है जो वापस मेरे पास आता है, बाकी के 9 यहूदी कहाँ गए? वो यहूदी जो अपने आप की बढ़ाई बहुत करते हैं वो कहाँ चले गए? प्रियो, आज हम ये देख सकते हैं कि उस समय पर जितने लोग कोढ़ से परेशान थे, वो लोग समाज से दूर किए जाते थे, समाज के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं था, उसी प्रकार है आज जो लोग पाप में डूबे हुए हैं। वहां पर कोढ़ से जो लोग परेशान हैं उनको समाज के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो आज हमें समझ में आना है कि कोढ़ भी पाप के समान है। पाप में जो लोग डूबे हुए हैं, पाप में जो लोग फंसे हुए हैं, उनका और परमेश्वर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कोढ़ के लोग समाज से दूर रहते थे, वैसे ही पाप में रहने वाले लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं। कोढ़ में रहने वाले या कोढ़ की बीमारी को सहने वाले लोग अपने शरीर को नाश होते देख पा रहे हैं, उसी समान पाप में रहने वाले लोग इस बात को समझना है कि हमारा अंदरूनी मनुष्य या हमारी आत्मा एक प्रकार से खत्म हो रहा है, एक प्रकार से गल गल कर नाश की ओर बढ़ रहा है। हमने ये देखा कि कोढ़ की बीमारी लोगों को समाज से दूर करती है, कोढ़ की बीमारी उनके शरीर को ख़त्म करता है, पाप जो है हमें परमेश्वर से दूर करता है, पाप जो है हमारी आत्मा को ख़त्म करता है। साथ में एक और बात हम देख सकते हैं, कोढ़ जो है, एक इंसान को अगर कोढ़ है तो उसको कोई सेंसेशन नहीं होगा। हमारे उंगली में अगर कोई सुई चुभता है तो हमें दर्द होता है, क्योंकि हमें उसका फीलिंग हमारे शरीर में आता है। लेकिन कोढ़ से जो परेशान है उनके शरीर में फीलिंग नहीं होता, वो सेंसेशन खत्म हो जाता है, कुछ भी आके लगता है उनको फील नहीं होता है। प्रियो, पाप में डूबे हुए लोग भी पाप का आनंद को उठा रहे हैं और उनको ये चुभ नहीं रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। प्रियो, क्या उपाय है इसका? अगर आप पाप में फंसे हैं, आप यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी गंदे कामों में अपने आप को फंसा दिया है, शैतान के अधीन आपने अपने आप को कर दिया है, झूठ, फरेब, नकाब, दिखावा, ड्रग्स, ये सारी बातें अब भी आपके जीवन में है, तो क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो कोढ़ियों ने किया था। वो लोगों ने क्या किया? ऊंचे शब्द से यीशु को पुकारा। आज जो पाप में फंसे हुए हैं और आप उसमें से निकलना चाहते हैं, प्रियो, आपके पास भी ये एक ही उपाय है, और उपाय ये है कि आप यीशु के नाम को पुकारिए। देखिए प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में ज़रूर आए, मनुष्य का रूप लेकर आए, उस क्रूस पर हमारे पापों के कारण बलिदान हुए, ये सब सही है। लेकिन हमें साथ में ये समझ में आना है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन वो ऑटोमेटिक हमारे हृदय में नहीं आता है। हमें यीशु को पुकारना है, हमें यीशु को एक्सेप्ट करना है। यीशु मसीह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, जबरदस्ती किसी के जीवन में नहीं घुसता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पापों से क्षमा मिले, आपको जीवन में मुक्ति मिले, आपको यीशु को पुकारना पड़ेगा। आप यीशु के नाम को बुलाइए और यीशु से कहें, यीशु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु जी मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। और आप यीशु के नाम को जब पुकारोगे, यीशु मसीह आपके पापों से आपको क्षमा देगा। जब इस बात को आप अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा और मेरे पापों के कारण यीशु मसीह ने वो लहू बहाया, जब आप विश्वास कर अपने मुंह से अंगीकार करोगे, तब आपके जीवन में आप उद्धार को पाओगे। प्रियो, हमारे जीवन में जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ आशीषों के लिए यीशु के पास नहीं आना, लेकिन यीशु सच्चा परमेश्वर है ये जानकर यीशु के पास आना। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का वो स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। वो लोग राजा के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और नहीं भी छुड़ाएगा, तब भी परमेश्वर को छोड़कर और कोई बात को हम नहीं मानेंगे। कितना अच्छा एक गवाही है, प्रभु के लिए खड़े रहिए, परमेश्वर के विश्वास के प्रति खड़े रहिए, आशीषों के लिए प्रभु के पीछे मत चलिए, लेकिन परमेश्वर कौन है ये समझकर परमेश्वर के लिए खड़े रहिए।
परमेश्वर के लिए जब आप खड़े रहेंगे, परमेश्वर अपने आप आशीषों का भंडार आपके जीवन में देगा। प्रियो, यहाँ पर समाप्त करने से पहले एक और बहुत मुख्य बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है उसकी 15वीं आयत को मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। तब उनमें से एक ने देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा। देखिए, ये 10 लोगों में से एक जन ने जो किया वो ये है, वापस आ गए। मतलब यीशु को पहला स्थान अपने जीवन में वो दे रहे हैं, याजक के पास जाने से पहले, परिवार के पास जाने से पहले वापस यीशु के पास आता है। मतलब जीवन में पहला स्थान यीशु है, और कैसा पहला स्थान दे रहे हैं, ऊंचे शब्द से, है ना, इस प्रकार लिखा है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। मतलब वो आ रहे हैं तब भी ऊंचे स्वर से प्रभु की महिमा कर रहे, प्रभु आप महान हैं, यीशु आपके जैसे कोई नहीं है, यीशु आप कितने अच्छे हो, इस प्रकार ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर वापस यीशु के पास लौट रहे हैं। उनको ये डर नहीं है, ये शर्म नहीं है कि लोग मुझे सुनेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लेकिन वो अपने जीवन से यीशु का महिमा कर रहे हैं। प्रियो, इतना हिम्मत है हमारे अंदर कि लोगों के बीच में भी हम खड़े होकर प्रभु को महिमा दें, और लोगों के बीच में खड़े होकर ये गवाही दें कि जो भी आशीष मैंने पाया है वो मेरे काबिलियत के कारण नहीं, मेरे अच्छाई के कारण नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। फिर वो क्या करता है, 16वीं आयत में, यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर, देखिए कितना दीनता है उसके जीवन में, यहाँ पर उसके जीवन में कोई अहंकार नहीं है, यीशु के पांवों पर गिरता है। वही गिर सकता है, वही इंसान ऐसा आराधना कर सकता है जो दीन है, जो हम्बल है। सोचने वाली बात है ये, क्या आप के अंदर अहंकार है, आपके अंदर घमंड है, तो इस प्रकार की आराधना आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज का घमंड हो उसको उतार दीजिए, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, उनका विरोध करता है, लेकिन परमेश्वर दीन लोगों को चाहता है, दीनों को उठाता है परमेश्वर। आज प्रियो, हमें परमेश्वर की बढ़ाई करना है, और दूसरी बात, इस दीनता के साथ प्रभु के सामने गिरकर प्रभु की आराधना करना है, स्तुति भी करना है और आराधना भी करना है, वो अंगीकार करना है, प्रभु आप मेरे जीवन का राजा हो, परमेश्वर मैं आपके पांवों पर गिरता हूँ, प्रभु जी मैं आपको अपना स्वामी, मैं आपको अपना राजा के रूप में अपने जीवन में मैं एक्सेप्ट करता हूँ परमेश्वर। इस प्रकार का एक समर्पण में क्या आप आ सकते हैं। फिर क्या लिखा है, और फिर यहाँ पे लिखा है, पांव मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, वो इंसान रास्ते में बढ़ाई कर रहा है, मुंह के बल गिर कर आराधना कर रहा है, और साथ में धन्यवाद दे रहा है। तब परमेश्वर पूछता है बाकी के 9 कहाँ है। तो इन 9 लोगों के अंदर ऐसा एक फीलिंग नहीं आया कि परमेश्वर के पास जाकर हमें धन्यवाद देना है, वो लोग उस बात को भूल गए, आशीषों को प्राप्त करते ही वो लोग भूल गए। लेकिन ये इंसान वापस यीशु के पास आता है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, उसने चंगाई को प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी यीशु के प्रति अपना प्रेम को प्रकट कर रहा है। आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहती हूँ, और वो है भजन संगीता 103 और उसकी 2री और 3री आयत। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। देखिए, भजन लिखने वाला दाऊद इस प्रकार कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। प्रियो, हम लोग सब ऐसे लोग हैं जो उपकारों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और हम नए बातों को मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। परमेश्वर ने पिछले दिनों में, पिछले सालों में जितने भी काम आपके जीवन में किया है, उसमें से एक को भी नहीं भूलना, लेकिन आप उसको अपने जीवन में याद करते हुए एक आभारी मन के साथ प्रभु से कहे, प्रभु आप कितने अच्छे हो, आराधना कीजिए, बढ़ाई कीजिए, धन्यवाद कीजिए। एक छोटी सी स्टोरी मैं बोलना चाहती हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा था, और वो स्टोरी इस प्रकार है। 2 दोस्त थे जो बहुत सालों के बाद कहीं रास्ते में आपस में मिले, और जब दोनों दोस्त आपस में मिले
तो एक जन दूसरे पूछता है कि हाँ भाई कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो दूसरा व्यक्ति बड़े उदास होकर कहता है हाँ ठीक है। तो पहला इंसान कहता है क्यों इतना उदास हो तुम, जीवन में सब कुछ ठीक है कि नहीं। तब वो दूसरा इंसान जो उदास है कहता है अरे मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो पहला इंसान पूछता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बता, मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो वो इंसान कहता है देखो 2 सप्ताह पहले मेरे मामा जी का डेथ हो गया और डेथ के बाद मुझे जो है कुछ लाखों रुपए मेरे नाम पे कर दिया गया। वो मामा जी ने मेरे नाम पे कि उनके मृत्यु के बाद इतना लाखों रुपए मेरे नाम पे कर दिया। तो सुनने वाला वो पहला इंसान है कहा तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो लाखों के मालिक बन गए, तो इतना दुखी क्यों है। तो कहता है ये 2 सप्ताह पहले की बात है, अब 1 सप्ताह पहले मेरा एक और रिश्तेदार का मृत्यु हो गया और उसने भी मेरे नाम पर करोड़ों का रुपया ये छोड़कर चला गया। तो पहला इंसान सुनकर हैरान हो जाता, बोलता पहले तो तुझे लाखों रुपया मिल गया, अब तुझे करोड़ मिल गया, अब क्या प्रॉब्लम है। तब वो इंसान बड़े दुखी होकर कहता है अरे दुख की बात यह है कि इस सप्ताह किसी की मृत्यु नहीं हुई और मुझे कोई पैसे नहीं मिले। देखिए प्रियो इंसान का मन कैसा है, उसके पहले का जितना भी पैसे उसको मिला उसकी खुशी और आनंद उठाने के बदले, उसको अपने जीवन में अनुभव करने के बदले अब इस विषय में दुख उठा रहा है कि यह सप्ताह मुझे कोई नया पैसे नहीं मिला। यही है इंसान का जीवन शैली। प्रभु ने पिछले दिनों में हमारे जीवन के लिए इतने इतने बड़े उपकार किए, हमें कुछ भी याद करना नहीं है और आज वापस हम जाकर शिकायत कर रहे हैं प्रभु ये मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे जीवन में संभव क्यों नहीं हो रहा है, प्रभु क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझसे दूर चला गया है। आज हम शिकायत कर रहे हैं, आज हम कुड़कुड़ा रहे हैं। प्रियो हमारे लाइफ्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा अपने जीवन को तोल सकते हैं, जो आप शिकायत करते हैं कुड़कुड़ाते हैं वो ज़्यादा है या जो आप धन्यवाद देते हैं वो ज़्यादा है, तोल कर देख लीजिए। प्रियो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारा जीवन में शिकायत ज़ीरो होना चाहिए, कुड़कुड़ाना ज़ीरो होना चाहिए। हर बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। एक और आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, 1 तसलोनियों की किताब उसका 5वीं अध्याय और उसका 18वीं आयत। 1 तसलोनिकों 5:18 यहाँ पे पौलुस लिखता है हर बात में धन्यवाद करो, फिर से एक बार मैं बोलती हूँ हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना परमेश्वर हमारे बारे में चाहता है। किन किन विषयों में हम धन्यवाद दे सकते हैं, सबसे पहले अपने जीवन को देखकर आप धन्यवाद दीजिए। हाँ आपके जीवन में बीमारी होगी, दर्द होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यह श्वास हमारे जीवन में दिया है, हम जीवित हैं, उस विषय के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जिस घर में आप रहते हो उस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। जो जो लोग परमेश्वर ने आपके साथ दिया है उनको याद करते हुए हम धन्यवाद दीजिए। हाँ आपके बच्चे आपके बात नहीं मान रहे होंगे लेकिन बच्चे तो हैं। हाँ आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत कठिन परिस्थिति लेकर आ रहा होगा, लड़ाई करता होगा, लड़ाई करती होगी, लेकिन याद रखिए जीवन साथी है, आप अकेले नहीं हैं। बीमारी के बीच में भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रभु धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं, आप मुझे चंगाई दोगे, आप मुझे हिम्मत दोगे। कठिन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर प्रॉब्लम्स के बीच में आप धन्यवाद दीजिए। दानियल एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। दानियल के बारे में हम पढ़ सकते हैं वो दिन में 3 बार प्रार्थना और धन्यवाद करता था। इसका मतलब है जब नियम निकला जो दानियल के खिलाफ था तब भी दानियल दिन में 3 बार धन्यवाद और प्रार्थना करता था। उसके लिए परिस्थिति कोई मान्य नहीं रखता था, उसके लिए उसका और उसका परमेश्वर का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट था। प्रियो आज आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कुड़कुड़ाना नहीं, शिकायत करना नहीं, लेकिन हर चीज़ के लिए आप धन्यवाद कीजिए। इसराइलियों के साथ परमेश्वर इसलिए दुखी था क्योंकि हर बात के लिए वो लोग शिकायत करते थे, हर बात के लिए वो लोग कुड़कुड़ाते थे और परमेश्वर परेशान होकर कहता है ये लोग मेरे विश्राम स्थान या वायदे के स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर ने उनको वायदा दिया था कि मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा, लेकिन उनके ये स्वभाव कि वो लोग हठीले थे,
वो लोग धन्यवाद नहीं देते थे, उपकारों को याद नहीं करते थे कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुंदर को दो किया, कैसे परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसा, ये कुछ भी याद नहीं करते थे, लेकिन हर समय शिकायत करते थे। और उसका नतीजा स्वरूप उनके जीवन में ये हुआ कि उनके बीच में से दो जन को छोड़ और कोई भी कनान देश में प्रवेश करने ना पाए। प्रियो, चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज हम जो है प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु ने बहुत सारे आशीष दिया है, सुख दिया है, शांति दिया है, आनंद दिया है, उन सब को याद कर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमें ग्रेटफुल रहना है, हमारे अंदर एक आभारी मन होना बहुत ज़रूरी है, दूसरी बातों को देकर हमें चिंतित नहीं होना है। एक प्रभु के दास के बारे में मैंने एक घटना पढ़ी हूँ, उस प्रभु के दास का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उस घटना को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो हमें और भी हिम्मत हमारे जीवन में हमें मिलेगा। और उनके साथ ऐसा एक घटना घटी कि वो जब बाहर चल रहे थे तो उनकी जेब में से किसी ने उनका पर्स को चुरा लिया, और वो घर आके उनको जब समझ में आया कि किसी ने मेरा पर्स को चुराया है, तब वो प्रभु के उपस्थिति में बैठे अपने डायरी खोलकर, वो प्रभु से बात भी कर रहे थे, अपने डायरी में नोट भी कर रहे थे, और उस समय उन्होंने सोचा कि मेरे साथ ये घटना हुआ, लेकिन मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दो, तो मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना है, तो किस किस विषय में मुझे धन्यवाद करना है। तो उन्होंने अपने नोटबुक में इस प्रकार नोट किया। सबसे पहले उन्होंने ये नोट किया कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इससे पहले मेरा कोई भी चीज़ का चोरी नहीं हुआ था। फिर दूसरा नंबर लिखकर उन्होंने इस प्रकार लिखा, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि सिर्फ मेरा पर्स चुराया गया लेकिन मेरे शरीर पर कुछ हानि नहीं हुई। फिर तीसरा उन्होंने लिखा, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि उस पर्स में कम पैसे थे, सारे पैसे मैंने उस पर्स में नहीं रखा। और लास्ट में वो सोचकर इस प्रकार लिखते हैं कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी ने मेरे पर्स को चुराया, मैंने किसी की नहीं चुराया, किसी ने मेरा चुराया, मैंने किसी का नहीं चुराया। देखिए, एक बुरी बात उनके जीवन में होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर उस बुरी घटना में भी वो अच्छाई को ढूंढकर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। प्रियो, दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। पौलुस कहता है हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। प्रियो, ये बात क्या मैं और आप अपने जीवन में हम अपना सकते हैं? हम प्रभु से कह सकते हैं प्रभु हर चीज़ के लिए धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, हम पाप में पड़े थे प्रभु जी, वहाँ से आपने छुड़ाया इसलिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, हमें जीवित रखा, आपने हमारे लिए एक मकसद रखा, उस मकसद के लिए, उस योजना के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, हमको देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, हम उस 90% लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए जो सिर्फ यीशु को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उस एक इंसान के जैसा होना चाहिए, उस 10% में होना चाहिए जो यीशु को अपने मकसद के लिए नहीं, लेकिन यीशु को दिल से हम लोग मानने वाले बन जाए, दिल से प्रेम करने वाले बन जाए, और यीशु से कहे, यीशु आपसे बढ़कर कोई और धन मेरे जीवन में नहीं है, यीशु आपसे बढ़कर कोई और आशीष मेरे जीवन में नहीं है, आप मेरे जीवन में सबसे टॉप पोजीशन में है प्रभु जी, उसी के बाद ही प्रभु जी मेरा नौकरी या मेरा परिवार या मेरे बच्चे या मेरे रिश्तेदार सब आपके बाद आता है परमेश्वर, आप मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। क्या आप यीशु से इस प्रकार कह सकते हो? प्रियो, हम अपने लाइफ्स को जरा चेक कर लेंगे, हम 90% लोगों की तरफ नहीं लेकिन उस 10% लोगों के समान हम बनने पाए। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, अपने आप को समर्पण कीजिए। हालेलुया, एक क्षण प्रभु के सामने समर्पण कीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, प्रभु जी हम भी पाप के उस बीमारी में फंसे हुए थे, प्रभु आपने हमें बचाया इसलिए धन्यवाद, आपने हमें उद्धार दिया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी, वो मुक्ति वो उद्धार हमारे जीवन में देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हमारे मसीही जीवन में प्रभु जी हम आशीषों के पीछे ना भागे प्रभु, हम आपके साथ साथ चलने वाले बन जाए, आपके पीछे चलने वाले बन जाए, क्रूस उठाकर दुख उठाकर प्रभु आपके पीछे हम चले परमेश्वर पिता।
प्रभु जी, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर बात में हमें धन्यवाद देने का एक मन देना प्रभु जी, हर बात में प्रभु जी आपको महिमा देने का एक मन देना कर हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हालेलुया, मदद कीजिए प्रभु जी, इसराइलियों के समान हम कुड़कुड़ाने वाले लोग ना बने, स्वर्ग राज्य से हम दूर ना रहे परमेश्वर पिता, हर बात में हम धन्यवाद दें प्रभु जी। एक और बार हम मिलकर आज के दिन के लिए धन्यवाद, हमारी देश के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद, हर आशीषों के लिए धन्यवाद, हर भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, इस प्रकार की आप संगति दे रहे प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद। इसमें जुड़े हुए हमारे परमेश्वर हर एक भाई बहन, जो हम सब एक परिवार है प्रभु जी, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इस वचन के द्वारा सभी लोग आशीषित हुए ये विश्वास करते हुए आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें आशीष दिया है, वचन के अनुसार चलने की पूरा प्रयास करें। जितने प्रार्थना निवेदन आए उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक बात को जानता है, परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो क्यों ना हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, एक चित्त होकर प्रार्थना करें, हम लोग मिलकर एक परिवार होकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने हालेलुया प्रभु जी प्रार्थना रिक्वेस्ट डाला है, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर, आपके खोड़े काने से हम चंगे हो गए करके बोला हुआ परमेश्वर यहोवा, मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर लिए कुछ भी असंभव नहीं है करके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता। हालेलुया, मैं अपना वचन भेजकर चंगाई दूंगा करके बोलने वाला यहोवा, आज हम मिलकर एक मन के साथ इच्छित होकर हो जीसस आपके पर पूर्ण भरोसा रखकर हम प्रार्थना करते इसी वक्त पे, जिनके शरीर और मन और आत्मा में हालेलुया जो भी बीमारियां हैं, जो भी ऐसी दुर्बलताएं हैं, जो भी ऐसे संघर्ष होकर जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम एक आजादी की घोषणा करते हैं। बाय योर स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, हो लॉर्ड अपनी चंगाई की हाथ को बढ़ाए यीशु के नाम से। हालेलुया, तेरे सांत्वना देना परमेश्वर पिता, तेरा शक्ति देना परमेश्वर पिता, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता हालेलुया विभिन्न प्रकार की परिस्थिति है, वो कई लोग बेरोजगार हैं, कई लोग आर्थिक संघर्ष से होकर जा रहे हैं, कई लोग परमेश्वर पारिवारिक संघर्ष से होकर जा रहे हैं, कई बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा बोझ उठा रहे हैं, कई बच्चे परमेश्वर पिता एग्जाम के कारण अपने मन में चिंतित है राजा, कई लोग बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के कारण, कॉलेज के फाइनल ईयर्स के कारण लॉर्ड हालेलुया अपने मन में चिंतित है कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा इस लॉकडाउन के बीच में। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन उन्हें उत्साहित करने पाए, हालेलुया हालेलुया आपका सामर्थ्य हाथ उनके पर हो नहीं पाए। इस समय पर कोई भी तेरे दास यदि हालेलुया इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पराजय में से वो उठ जाएं, अपने पराजय में से वो उठ जाएं, एक महिमावंत सेवा आप उनको प्रदान कीजिए राजा। आने वाले दिनों में उनकी सेवकाई के द्वारा हजारों की तादाद में लोग सुसमाचार को सुने और आजादी को अनुभव कर पाए परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती प्रार्थना आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। आया हुआ वचन के लिए धन्यवाद, उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, उन्नति दीजिए, परिपक्वता की ओर बढ़ाइए, सिद्धता की ओर बढ़ाए, हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए यह प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम संतों के साथ, भक्त जनों के साथ जिन्होंने वचन को सुना है, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। बोले आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हाथ उठाकर बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे और वचन में बढ़े। संडे स्कूल के क्लास आपके लिए रिलीज किया जाएगा और परमेश्वर की मर्जी है तो हम लोग प्रभु में बनते जाएं, बढ़ते जाएं, परमेश्वर में आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।